ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज तारीख 23 है और 23/8/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है, उनकी निशानी सुनाओ। जो बच्चे खुश नसीब है उनका पुरुषार्थ। उत्तर है, जो खुश नसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं, ज्ञान दान। वह शंख ध्वनि करने के बिगर नहीं रह सकते, धारणा भी तब हो जब दान करें। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं करते हैं। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। गति माना अवस्था अपनी बहुत बुरी कर देती है। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, और कोई नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला एक ही बाप है, ये दुनिया नहीं जानती है। तुम बच्चे समझते हो, जो यहाँ बैठे हो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते। अब तुम बच्चे जानते हो, भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, शंकर को भोलानाथ नहीं कहा जाता। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है। बड़ा भोला है, गरीबों को अखूट खजाना देने वाला है। भोलानाथ किसको कहते हैं, जो बिगड़ी को बनाता है, बड़ा भोला है और गरीबों को अखूट खजाना देता है। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसके यह चित्र बने हैं, और कोई ऐसा नहीं समझाते। यह उल्टा वृक्ष है, भगवान उवाच है। इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है, भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवद गीता। परमपिता परमात्मा कितना मीठा है, परंतु उसकी याद माया बुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वह तुमको याद करने ही नहीं देती है। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार नहीं रहती। तुमने 63 जन्म रोया है दुख में, 84 जन्म नहीं कहेंगे, यह भी तुम बच्चे जानते हो। भोलानाथ बाबा समझाते हैं, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए यह बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है, पर कोई बच्चे अपने कर्म अनुसार इतना धारण नहीं कर सकते। सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे, अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल भी आगे जरूर मिलता है। कर्मों की एक गुह्य गति है ना, बाबा कहते हैं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते, फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। कहेंगे क्या करें, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं। फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते, यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज को छोड़ना गोया, बाप टीचर सतगुरु को छोड़ना, छोड़ने से ही छोरा बन जाते हैं। काल में गुड्डा गुड्डी बाबा ने कहा, हाँ, मैं गुड्डा गुड्डी नहीं बनता हूँ, आज बाबा कह रहे छोरा और छोरी। जो बाप को छोड़ के चले जाते हैं वो छोरा बनते हैं। छोरा उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते,
तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं, यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाए, कई आत्माओं को ये संकल्प आता है, लेकिन वहाँ ज्ञान तो उठा नहीं सकते। हाँ, पुरानी दुनिया में आपको क्या मिलेगा? बायोस्कोप, नाटक, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना आदि सब मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात उनको चलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो फिर दुनिया की तरफ, पुरानी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया जल्द ही खत्म होनी है, साथ में कुछ भी नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को छोड़ना है, देह अभिमान के कारण और सब विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं भी टेम्प्ररी इस तन में आया हूँ। हम सो देवता थे, हम सो फिर क्षुद्र बने। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो, जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ति सेना बनाते हैं, इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोझरे में है। कोई कोई की ज्योति जगती नहीं है, बाबा कितना ट्राई करते फिर भी बाबा कहते ज्योति जगती नहीं है। यह भी क्या है, ड्रामा में नूंद है। किसी की ज्योति जगती है फिर माया भुला देती है, उस ज्योति को बुझा देती है, तो चलते चलते ये सब बातें होती रहती है, माया का तूफान आता रहता है। और ये तूफान लगने से बाबा कहते वैसे का वैसा ही बन जाते हैं। इस दुनिया में तो कोई बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, दुनिया की हालतें हैं। खाने के लिए कितना पुकारते हैं, बाबा उन द्वारा मन विदेशों द्वारा सहायता करवा रहे हैं, बाबा करवा रहे हैं। ये मनुष्य नहीं जानते यह भी ड्रामा में राज है। जैसे नक्शे होते हैं, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े कि फलाने शहर कहाँ है, यह मैप्स वहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है, वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए, अभी भी नंबर 1 में है पॉपुलेशन में भारत। तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें हैं, विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहते हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेज फूल बनते हैं। क्या बनते हैं? नॉलेज फूल। बाबा तो बहुत सहज बतलाते, कहते हैं इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे? आज बाबा ज्ञान सुनाने के लिए विशेष प्रेरणा दे रहे बच्चों को। गीता सुनाने में वाले भी नंबरवार होते हैं, जो अच्छे अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्होंने को नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुम्हारी है नई बातें, कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, इनका ज्ञान न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं ये ज्ञान। बाबा कहते हैं फिर तो समझते भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया हुआ है इस धरती पर, उनको आना जरूर है। बाबा कहते हैं मेरी यादगार के मंदिर है, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं, जैसे समझाया था बाबा ने ऐसे हम बच्चों को वो समझा रहे हैं। तुम कहते भी हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पोत्रे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं,
कोई से भी पूछो तो कहेंगे शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने के कारण भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारी हो जाते हैं, तो यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे, इसमें विकार की कोई बात नहीं। एक ही कुल होता है, प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, जरूर यह प्रजा है। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण भी देवता बनते हैं वह जरूर पवित्र ही रहेंगे। जो जो पवित्र बनते हैं वह अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं होते। देखो सतयुग या कलयुग में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं होते तो संगम युग पर होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन बनते हैं, यह है पवित्र रहने की युक्ति। जो पवित्र ही नहीं बनते तो विश्व का राज्य भाग्य कैसे ले सकेंगे। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाबा समझाते बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने के लायक बन जाएंगे तभी विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में ठहरता है यह ज्ञान। दान ही नहीं करते तो बुद्धि में यह ज्ञान ठहरता भी नहीं। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छे फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। आज बाबा शाबाशी दे रहे हैं जो सेवा कर रहे हैं, किसी को ज्ञान समझाते हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं तो मिलेगा भी ऐसे ही। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो, अब इतनी कहाँ से लेके आएंगे। यह भी शिव बाबा जानते हैं फर्स्ट क्लास कौन है। हर एक की अवस्था को बाबा अच्छी रीति जानते हैं। बहुत बच्चियाँ अच्छी सर्विस करती है। आज बाबा सेंटर की बहनों को शाबाशी दे रहे हैं, बहुत अच्छी सेवाएं कर रही हैं। ब्राह्मणों माना लौकिक ब्राह्मणों को तो खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं। जहाँ भी जाएंगे धामा लेंगे। बच्चों में कोई कोई है अच्छा भोजन न मिलने से उनको आराम ही नहीं आता है। बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं, फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं, वह फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गति कर देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते। फिर विकार के लिए अवलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग्य है, क्योंकि जितना अत्याचार करेंगे उतना बाबा की याद आती रहेगी। बाबा से वर्षा तो ले लेंगे ना, बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष के बिगर रह नहीं सकते। यह है दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई भी नहीं जानती। अमर लोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख है। सतयुग में क्या है, आदि मध्य अंत सुख ही सुख है। दिखाते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार नहीं, तो यह कथाएं आदि कहाँ से आई। अमर कथा सुनाई फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए कुछ भी पता नहीं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्होंकी बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। सुनना है उनको और फिर उनको समझाना है। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने के लिए जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे यह बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे। बंदर बुद्धि वाले जो इंसान हैं वही राम को मदद करते हैं। तो यही गायन है, हम बच्चों का यह गायन है ना, राम को हम मदद कर रहे हैं। कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो नेशन नेशन में आपस में कितनी लड़ाई है। एक ही क्राइस्ट के बच्चे आपस में कितना लड़ते हैं। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा की भावी है। ड्रामा का मालूम पड़ा तब तो अब पुरुषार्थ करते हो, जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाबा से वर्षा लेना है, यह ड्रामा का राज और कोई की भी बुद्धि में नहीं है।
बाबा ने आकर सब राह समझाए, पढ़ाने वाला पति तो पावन वह बाप है, बलिहारी उनकी है, और माया क्या करती है, नीच बनाती है। भगवान ऊंचते ऊंच, बाप ऊंच बनाते हैं सबको। कहते हैं बच्चे अब मेरे से ही सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। यह चित्र बड़े ही वैल्यूएबल है। ये चित्र हमने जो बनाए हैं बाबा के साक्षात्कार से बने हुए हैं ना। विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे ये चीज तो बड़ी अच्छी है, कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है। सृष्टि चक्र का चित्र दे करके समझाओ उनको, किस किस की डिनास्टी चलती है, सबके चित्र इनमें है। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हर एक धर्म वालों को कैसे समझाना है वो भी बाबा रोज मुंडली में हमें सिखाते हैं। हाँ, आगे चल, एक दो से सब सुनेंगे, यह तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे शिक्र दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान दान करने से धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। वरदान, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका महत्व बहुत है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न न आए। तो विघ्न कौन कौन सा आता है? वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का। यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो जाती है। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में आ नहीं सकते हैं। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न न हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। आज का स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप का, बाप के प्यार के पात्र है। भगवान के भी प्यार के पात्र कौन बन सकते हैं? जो दिल से और दिमाग से दोनों से ही ऑनेस्ट है, जिसको बाबा कहते हैं सच्चाई, सच्चाई और सफाई, सच्चे दिल पर साहेब राजे। तो भगवान के दिल को जीतना है या परिवार का प्यार प्राप्त करना है तो हमें ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। तो ऐसे सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति।